ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे गेटर करना एपीआई को और यूजिंग जेक्यूरी, और उसमें जो आपको नज़र आ रहे थे दो रिकॉर्ड, वो एक्चुअली डिलीट कर दिए हुए थे मैंने, वो डमी क्रिएट किए हुए थे. एवरी हाफ एन आवर ये एपीआई अपने आप को रिफ्रेश कर लेती है. तो आपको मे बी जो एपीआई की लुक मिलेगी वो ये वाली मिलेगी कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 रिकॉर्ड्स होंगे और कुछ टाइटल्स हैं और उनके आगे कुछ बॉडीज आ रही हैं. तो डेटा डजेंट मैटर. तो अब ये डिलीट बटन भी काम नहीं कर रहा और ये ऐड रेसिपीज भी अभी काम नहीं कर रहा, और डिलीट के साथ साथ हमें एक एडिट का बटन भी चाहिए होगा. तो वो वापस आते हैं. मैंने क्या किया है, सिर्फ उसी फोल्डर को मैंने कॉपी करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है ताकि हम वहीं से काम शुरू करें जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में क्लोज अप किया था. तो जेक्यू क्लाउड के अंदर आए तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जो हमने ऐड किया हुआ था डिलीट का. तो डिलीट के बटन के सबको साथ साथ मैं इसको इसके साथ ही इस बटन को कॉपी कर लेता हूँ, एक पेस्ट कर लेते हैं. और पेस्ट करने के बाद btn डैश वार्निंग कर लेते हैं इसको, फ्लोट डैश राइट और एडिट कर लेता हूँ मैं. तो एक्चुअली मैंने सिर्फ ये किया है कि जो डिलीट के साथ साथ मैंने एक एडिट का बटन भी क्रिएट कर दिया हुआ है. तो ये दो बटन्स के बीच में स्पेस थोड़ी कम है, तो स्पेस को हम सीएसएस के साथ हैंडल कर लेते हैं. सीएसएस को हमने हैंडल कैसे करना है कि आपके अंदर जो रेसिपीज के अंदर आ रही हैं डिव सारी, तो मैं डॉट रेसिपी, एक सिंगल रेसिपी को उठा लेते हैं. उसके अंदर आने वाला जो btn डैश वार्निंग है उसका जो पैडिंग है वो मैं 5px की कर देता हूँ, और बल्कि उसके अंदर दोनों बटन्स के साथ ही काम कर लेते हैं. तो आपके पास जो सॉरी पैडिंग मार्जिन 4 के साथ काम नहीं करेंगे. चलें छोड़ें इसको, बाद में देख लें. अभी मैंने एक एडिट का बटन क्लिक किया है. तो आइडियली होना ये चाहिए कि ऐड रेसिपीज पे पॉपअप खुले और उसके अंदर फॉर्म वो सेव हो जाए तो ये अपडेट हो जाए. डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो ये डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए. तो सबसे पहले हम फॉर एग्जाम्पल डिलीट ऑपरेशन को देखते हैं. ये वाला जो डिलीट ऑपरेशन है, द थिंग इज ये जो बटन है ये बाद में क्रिएट हो रहा है पेज लोड होने के बाद. तो नॉर्मल इवेंट बाइंडिंग इसके साथ काम नहीं करेगी, हमें डेलीगेट्स करने पड़ेंगे. तो वो डेलीगेट्स को हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फंक्शन हैंडल डिलीट. इसको हम आईडी पास करेंगे और ये उसे डिलीट कर देगा. तो अब हम डॉलर हैशटैग हैशटैग हम पेरेंट को पकड़ते हैं, वो हमारी रेसिपीज हैं. रेसिपीज डॉट ऑन क्लिक का इवन, उसके अंदर आने वाला जो btn डैश डेंजर है, सॉरी ये जगह कॉमा, उसके अंदर डॉट btn डैश डेंजर, इसके ऊपर क्लिक के ऊपर हम हैंडल डिलीट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं. आईडी आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग हैंडल डिलीट जी. तो देखते हैं पहले कि डिलीट का बटन हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा. तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी कंसोल के ऊपर जाते हैं. कंसोल हैंडल डिलीट बिल्कुल काम कर रहा है, जितने मर्जी डिलीट्स को आप कर लें. बट प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एपीआई है वो डिलीट के लिए आईडी मांगती है. आईडी मिलेगा तो फिर हम कुछ करेंगे. अब क्वेश्चन इज के जो हमने यहाँ पे डिलीशन की है वो बटन है, ये किस डिलीट के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक हुआ है या इसके ऊपर क्लिक हुआ है, हमें आईडी कैसे मिलेगी यहाँ पे, ये क्वेश्चन है. आईडी को गेट करने के कई तरीके हैं.
अभी मेरे HTML के अंदर अगर आप चेक करें HTML को, तो मेरे HTML के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो पैराग्राफ के अंदर दो डिलीट बटन्स हैं या एडिट का बटन है, इसमें ID की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। ओके, तो अब हम करते ये हैं कि ID की इन्फॉर्मेशन को HTML के अंदर किसी तरह से एम्बेड करते हैं। उसको एम्बेड करने का तरीकाकार ये है कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो एक डिव जिसकी क्लास ये है, इसको एक डमी डेटा डैश ID इज इक्वल टू डमी वैल्यूज प्रोवाइड कर दें, एक डमी एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दें जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसका HTML के अंदर कोई रोल नहीं है, बट ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। REC.underscore ID। ओके, अब मैंने क्या किया है, मैंने जो डिव एक्चुअली क्रिएट हो रही है उसके अंदर एक डमी एट्रीब्यूट डेटा डैश ID के नाम से रखा, और उसमें मैंने वो ID एम्बेड कर दिया जिस ID का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो अब हम अपनी HTML को पहले देखते हैं, रेसिपीज ये चेक करें, हर रेसिपी जो है उस डिव की क्लास रेसिपी है और डेटा डैश ID के अंदर उसकी ID आ रही है, इसकी ID डिफरेंट है, अगली रेसिपी की ID डिफरेंट है, उससे अगली रेसिपी की ID डिफरेंट है। ओके, अब बटन को क्लिक किया हमने, तो वो जो बटन आएगा हमारा वो उसको जे क्यूब ग्रेड के अंदर हमने जो फेच करना है यहाँ पे डिलीट करवाने के लिए, तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि जे क्यूरी कहती है var बटन इज इक्वल टू डॉलर दिस कर दें, मैं इसमें वो वाला टैग उठा के ले आऊंगा जिसके ऊपर क्लिक हुआ था, यानी मल्टीपल डिलीट के टैग्स हैं, मल्टीपल बटन्स हैं हमारे पास, तो वो मैं उस बटन का रेफरेंस ले आऊंगा जिस रेफरेंस के ऊपर अभी करंटली क्लिक हुआ है। ओके, नाउ द थिंग इज आपके पास जो बटन है ये वाला रेसिपीज के अंदर पैराग्राफ के अंदर मैंने ये बटन डाला हुआ है, इस बटन का रेफरेंस हो आ गया आपके पास, ID कहां से आएगा? आप ID यहां भी एम्बेड कर सकते हैं जिस तरह मैंने पैराग्राफ के साथ डिव के साथ किया हुआ है, या फिर आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएं, चूंकि हमें ID दोनों जगहों पर रिप्लेस चाहिए तो मैं दोनों जगहों पर रिप्लेस नहीं करना चाहता, मैं एक ही जगह पर लिख देता हूं, वो है ऊपर वाले डिव के अंदर, वरना ID यहां भी एम्बेड किया जा सकता था और यहां भी एम्बेड किया जा सकता था। ओके, तो बल्कि चले ऐसे ही कर लेते हैं, इसके पेरेंट्स उठा लेते हैं जाके। तो हमारे पास एक jQuery के अंदर क्लोज सेट है, क्लोज सेट jQuery, ये क्या करेगा, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। मैं आल्सो वांट टू टीच यू गाइस कि डॉक्यूमेंटेशन को रीड कैसे करते हैं। फॉर ईच एलिमेंट इन द सेट गेट द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेस द सिलेक्टर बाय टेस्टिंग द एलिमेंट इटसेल्फ एंड ट्रैवर्सिंग अप towards parents, its ancestors in the DOM tree. Okay, तो okay, इसका syntax. Okay जी, ये आ गया, तो हमें already मिल तो चुका है ये button, var parent div is equal to btn dot closeset, closeset को हमने इसके टॉप के ऊपर किसको फाइंड करना है, एक यहाँ पे हमारे पास डिव्स हैं, सॉरी एक डिव है जिसकी क्लास है रेसिपी ये वाली, तो सॉरी एक डिव जिसकी क्लास है डॉट रेसिपी, तो parent div let ID is equal to parent div dot attribute जो हमने dummy attribute data dash ID दिया हुआ था वो वाला, इसको हम console.log कर लेते हैं, console.log करेंगे तो हमारे पास ID आ गया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास करेक्ट ID आ रहा है यहाँ पे,
डिलीट के बटन के ऊपर एरर आ गया। एरर क्या आया? क्लोज सेट इज नॉट ए फंक्शन, क्लोज सेस्ट, CLOSEST। डिलीट, हमारा आईडी 50 समथिंग आ रहा है, इसको अगले का आईडी, हमारा आईडी डिफरेंट आ रहा है, उससे अगले का आईडी, आईडी डिफरेंट आ रहा है। तो आईडीज हमारे जो हैं वो, अब डिलीट बटन के ऊपर मुझे उस रिकॉर्ड का आईडी मिल रहा है जिस रिकॉर्ड को मैंने डिलीट करना है अभी। तो मैं डिलीट की रिक्वेस्ट भेजने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, तो यहाँ से हम डिलीट की रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट को हमने कैसे भेजना है? अगेन डॉलर डॉट एजेक्स, मुझे आईडी मिल चुका है यहाँ पे। यूआरएल कौन सा है? यूआरएल मेरा यही वाला है। प्लस इसको मैंने स्लैश लगा के, प्लस मैंने आईडी भेजना है अपना, इस यूआरएल को मैंने हिट करना है। मेथड जो होगा वो मेरा होगा डिलीट। ओके, मेथड डिलीट कर दिया। और इस रिक्वेस्ट के सक्सेस के ऊपर आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं एक फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूँ, और इस फंक्शन के अंदर एक्चुअली मैंने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है लोड रेसिपीज का, मैं दोबारा लोड करवाना चाह रहा हूँ। ओके, रेसिपीज को दोबारा लोड करवाना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिलीट हो चुकी है सर्वर पे, डेटा मेरा मॉडिफाई हो गया है और मेरा वो रिकॉर्ड अब है नहीं सर्वर पे, तो मैं क्लाइंट के ऊपर भी चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये इस एजेस की रिक्वेस्ट अगर सक्सेसफुली मेरी डिलीट की वापस आती है, तो उस डिलीट की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मैं के बाद मैं दोबारा से लोड रेसिपीज की एक नई रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ, ताकि मेरा पेज अप टू डेट रहे अकॉर्डिंग टू सर्वर डेटा। तो लेट्स से कि हमारा काम चल रहा है नहीं चल रहा, पहले हाउ टू मेक कट आउट शुगर कुकीज को हम डिलीट करने जा रहे हैं। हमारी कुकी डिलीट हो गई, अब हमारे पास सर्वर पे 10 रिकॉर्ड रह गए। हमारा सॉरी रिकॉर्ड डिलीट हो गया, सर्वर पे हमारे हमारे 10 रिकॉर्ड रह गए। अगली को डिलीट कर दें तो हमारा अभी रिक्वेस्ट वापस नहीं आई। तो यहाँ पे हम स्पिनर यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट भेजते हुए कि रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है। वो आपकी अपनी डिमांड है कि आप किस तरह से इसको यूजर को दिखाना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे सर्वर के ऊपर मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। नो, इम्पोर्टेंट थिंग इज इफ यू वांट कि आपकी कौन सी रिक्वेस्ट जा रही हैं और कौन सी उनका रिस्पांस क्या वापस आ रहा है, तो आप नेटवर्क टैब के अंदर आए। ओके, इस टैब के अंदर आप एक्चुअली देख सकते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है, ये रहे। पेज को रिफ्रेश करते हैं एक दफा। पेज के रिफ्रेश होते साथ ही मेरी पहली रिक्वेस्ट गई, उस रिक्वेस्ट का जो यूआरएल है वो ये है, मेथड गेट है, स्टेटस कोड 200 है, वापस आया है, हेडर्स के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पेलोड नहीं है मेरा। ये हेडर्स हैं जो मेरी एप्लीकेशन के साथ गए हैं, और इसका जो रिस्पॉन्स आया वो ये आया। ओके, और डिलीट जब हम करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रीक वेजी पिज़्ज़ा को डिलीट कर देता हूँ, तो ये अगेन प्रीव्यू हेडर्स रिक्वेस्ट गई, उसका यूआरएल डिफरेंट है, स्लैश आगे आईडी आ रहा है आपका, और इसकी जो रिस्पांस है वो आ गया आपके पास ये वाला, कुछ ग्रीक वेजी पिज़्ज़ा बॉडी बॉडी के अंदर ये या उसका रिस्पांस वापस आया। तो आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस को देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या आ रहा है। ओके, नो व्हाट इफ के वी डू सम मिस्टेक, फॉर एग्जांपल रेसिपीज की जगह पे मैं अपना यूआरएल चेंज कर लेता हूँ। ओके, पेज लोड होगा। अब एक्चुअली एक रिक्वेस्ट गई है और अगेन वो लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, रेसिपीज की रिक्वेस्ट गई और लेकिन एरर आ गया। ठीक है, 404 नॉट फाउंड के एरर आ गया। एरर्स को भी हमने हैंडल नहीं किया हुआ। ओके, एरर्स को हैंडल कैसे करेंगे? जहाँ पे हमने सक्सेस किसी भी एजेंसी की रिक्वेस्ट को सक्सेस हमने भेजा है, सक्सेस के साथ साथ हम यहाँ पे एरर भिजवा सकते हैं। एरर को हम एक फंक्शन लिख सकते हैं,
फंक्शन दे दें। ओके, ये फंक्शन लिखते हैं। ओके, फंक्शन के अंदर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ कि रेसिपीज़ को फेच करूँ और यहाँ पे भी रिस्पांस लिखा जा सकता है। नॉर्मली जरूरत नहीं होती, एरर हम अपना कस्टम एरर दे देते हैं। रेसिपीज डॉट अपेंड एन एरर हैज अकर्ड। ओके, इंस्टेड अब हम दोनों चीजें देख रहे हैं, सक्सेस को भी देख रहे हैं और एरर को भी देख रहे हैं। तो एरर जब आया तो वो लोडिंग हमने चूंकि अपेंड किया हुआ था तो वो लोडिंग भी लिखा हुआ नजर आ रहा है और एन एरर हैज अकर्ड। तो अपेंड की जगह पे हम लिख देते हैं HTML, मॉडिफाई कर दे हेडिंग को, एन एरर हैज अकर्ड। तो लेकिन जब कंसोल बंद है तो यूजर को कुछ नजर नहीं आएगा कि वो कह रहा है, लेकिन कंसोल के ऊपर आके आप देख सकते हो कि एरर कहाँ पे आया। डिबगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट में हमें ये इशू होता है कि हमारी रिक्वेस्ट जा नहीं रही, आ नहीं रही, तो उसको हम कंसोल नेटवर्क के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये रिक्वेस्ट गई, एरर आया 404, एरर को हमने हैंडल किया, हैंडल करके हमने यहाँ पे प्रॉपर एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो मैं इसको दोबारा से ठीक कर लेता हूँ। अब हमारी रिक्वेस्ट फिर जाएगी, फिर हमारा डेटा वापस आएगा और हमारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हमने डिलीट के बटन को बेसिकली इंप्लीमेंट किया है साथ में, और ऐड रेसिपीज़ वाला काम हमारा अभी रहता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रेसिपीज़ को ऐड और एडिट कर रहे होंगे।